नवीन जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं सर, में जो महिला ने क्वेश्चन जनसंवाद में पूछा था उनको आपने सम्मानित किया है। सुमन जी ने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा था बेरोजगारी पे, और ये एक अपील की थी कि भाई फैक्ट्री लगवा दो गांव में ताकि रोजगार मिल जाए, लड़कियों ने भी मिल जाए, महिलाओं ने भी मिल जाए, और मुख्यमंत्री जी ने इनको चांद पे भेजने के लिए कह दिया था। तो हम तो इसलिए आए थे कि केवरा चांद की टिकट यहाँ से ही कटती हूँ, तो मगर अभी चांद की टिकट भी कट जाएंगी, और अब जो पता चला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी भी मांग ली बता रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं वो भी आए थे। तो हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है, हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में, और जो भी सवाल जवाब करेगा मुख्यमंत्री जी से, इन्होंने बहुत बहादुरी का काम करा, क्योंकि लोग माड़ा गालन ताई जाकर नमस्ते करने ताई हाथ जोड़न ताई पाँ पकड़न ताई आवा है, इनने सवाल करा है, और ये हर आदमी करते हुए मर्द मानस का तो है, और इन्होंने बड़ी मर्दानगी का काम करा है, इसलिए हम इनको सम्मानित करने के लिए आए हैं। इनको सबको सम्मान देना चाहिए, इसलिए कि सवाल करने की तो हिम्मत है ही नहीं आजकल की समय, सवाल करने की हिम्मत है नहीं यार। जो सवाल करेगा, कोई बेरोजगारी पर, नशे पर, क्राइम पर करेगा, हम तो सब ने सम्मान करेंगे, और इसलिए ताकि कोई शासन प्रशासन परेशान ना करे, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए इनको। जैसे आपने ट्वीट किया था कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, उसके बाद प्रशासन और विधायक हरकत में आए और इनके यहाँ पहुँचे, गलती का एहसास हुआ तो अच्छी बात है ना, के बात है, बढ़िया है, गलती मान ली तो इस तरह बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ना है, मान ली गलती, मान ली ठीक है, लेकिन उनके गलती मानने से ये नहीं कि डिमांड पूरी थोड़ी होगी, डिमांड और इनका संघर्ष इनका जारी रहेगा, जारी रहेगा ना जी, हाँ बिल्कुल, कोई भी डिमांड तो मेरी बेटी है, हाँ तो संघर्ष इनका जारी रहेगा, और जो डिमांड है वो डिमांड नुकी है, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मैं तो ये कहूँगा। जिस तरह से लंबे समय से आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगारों की हो, पेंशन की हो, हर एक तरह की समस्या, लेकिन जन समाज में जो भी आता है पूछता है उनको या तो बाहर कर दिया जाता है, वो उसका मुख्यमंत्री के जीभ पे सुर उके का आ रहा हूँ, वो सनी आ रहा हो, राहू के तुके ब्रा के आ रहा हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम तो 5100 रुपये की माला इसलिए लेके आए थे कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन 5100 रुपये कही थी, तो इब तक पेंशन हुए गणाएगी तो हुए कटगी, किसा का BPL कार्ड कट रहा है, किसा का कम कट रहा है, किसा का फैमिली ID, तो इसलिए ये समस्याएं हैं, और जन संवाद को जन संवाद ही रहने दे, मुख्यमंत्री जन संवाद ना बनावा, वो जनता का फिर संवाद लेने का कोई फायदा नहीं है। तो और मैं उन लोगों को भी कहूँगा जब इन्होंने सवाल पूछा, बहुत से लोग दांत पाड़े थे, मतलब हरियाणा में दांत पाड़ना कह देते हैं, वैसे हंस रहे थे, उनको हंसना नहीं चाहिए था, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, वो गलत है। जिस तरह से एक महिला ने उठाया, आपने इनको सम्मानित किया है, कई तरह से ऐसे बाहर भी किया गया है कार्यकर्ताओं को, किस तरह से देखते हैं? तो गलत है ना, सवाल तो होना चाहिए, कोई उसमें कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, मुख्यमंत्री सामने बैठा है भाई, मुख्यमंत्री सामने बैठा है तो सवाल तो कोई भी करेगा, किसी का बिजली की प्रॉब्लम है, किसी का पानी की प्रॉब्लम है, किसी का BPL कार्ड की है, किसी की फैमिली ID की है, किसी की रोजगार की है, नशे की है, क्राइम की है, खुद की समस्याओं की है, बहुत सी समस्याओं की है। एक जो है ना, विपक्ष के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है जब भी कोई कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री का, वो तो देखो वो तो सरकार अपनी तरह सही चलाओगी, लेकिन ये तो कोई किसी पार्टी की भी नहीं थी, ये आप तो कोई पार्टी को हो ही नहीं, पार्टी को अगर इस तरह से कोई आगे क्वेश्चन आवाज उठाता है तो इनाम देंगे भाई, हम तो इनाम देंगे, आप उठा लियो, हम आपको भी दे देंगे, ठीक है जी।